अमित शाह की रैली के खिलाफ टीडीपी ने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के खिलाफ टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी के संभल में डिलीवरी के समय मां और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिड डे मील रसोईया संघ ने 18,000 रुपए महीने देने की मांग करते हुए 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चलती बाइक में अचानक आग लगने से बाइक सवार घायल हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकारी कर्मचारी पर जमीन नापने में उगाही का आरोप लगाकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया। हैदराबाद में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की तस्करी का 2 किलो सोना और 20 कैरेट हीरे के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव रथ रवाना कर लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर दी। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी दफ्तर से इन रथों को रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस अभियान के जरिए पार्टी लोगों से सुझाव लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, जिसके लिए इन रथों पर एक पेटी रखी गई है जिसमें लोग अपने सुझाव डाल सकेंगे। 29 रथ हैं, वो पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के कवर करेंगे और मकसद है बीजेपी का इन रथों के जरिए, इन सुझाव पेटियों के जरिए लोगों के मन की बात जानना, यानी लोगों के मन की बात को जानकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी ने अपने इस अभियान का नाम भारत के मन की बात मोदी के साथ रखा है। अगले 5 सालों में देश की प्रगति, विकास, जनता के कल्याण के लिए जो आकांक्षा जनता के मन में है, जो अपेक्षा जनता के मन में है, सुझाव के रूप में आकांक्षा पेटियों में डालेंगे। इन चुनावी रथों के जरिए बीजेपी की कोशिश केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की भी है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक ऐसे कार चोरों की गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑन डिमांड गाड़ियां चुराता था। पुलिस ने लोगों के पास से 4 कार समेत 11 गाड़ियां जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास से नॉर्थ ईस्ट से कार चोरी की डिमांड आती थी, जिसके बाद ये लोग गाड़ियां चुराते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 की अभी तलाश जारी है। अभी तक दोनों आरोपियों ने पूछताछ में 100 से अधिक मामलों में शामिल रहने की बात कबूल की है। एक नीरज तिवारी और धर्मेंद्र कुमार, ये दोनों पकड़ने में पता चल गया था। इन लोगों से 11 गाड़ी बरामद हुई। इसके बाद इनका मोड़ा शॉपिंग ऐसा है, यहाँ से जो बड़ा गाड़ी का जो डिमांड आता है नौकरी से, उनका वजह से यहाँ चोरी करवाते हैं और वहाँ भेज देते हैं। इसके बीच में एक नॉर्थ ईस्ट से भेजने वाला एक और आदमी का नाम आया हुआ है, उसके बारे में भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश चल रहा है और जैसे तीसरा आदमी मिल जाएगा, हमारा उम्मीद है। ये जो बाकी जो गाड़ियां हैं बाकी जगह पे भेजे हुए हैं, दिल्ली से बाहर भेजे हुए हैं, वो भी बरामद होने के बाद अच्छा खास इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद में बाइक के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि धुआं निकलने के बाद गोदाम में आग लगी, जिसके बाद वहां खड़ी सैकड़ों बाइक से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते कई और मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गई। इसी बीच गोदाम के अंदर काला धुआं भरने से अफरा तफरी मच गई। बाइक के गोदाम में आग लगने से करीब 150 बाइक जल गई, जिनमें से काफी देर तक धुआं उठता रहा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने करीब 2 से ज्यादा बाइक को जलने से बचा लिया। साथ ही दमकल विभाग की टीम ने बाइक गोदाम में लगी आग पर काबू पाया। यहां तो आया तो देखे कि 30-40 को मोटरसाइकिल में एक बार आग पकड़े हुए है। आग पर काबू पाया गया? हाँ, आग तो पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। वहीं गोदाम मालिक ने दावा किया कि आग लगने के समय वो खाना खाने गया था। दिल्ली से फोन किया तुरंत कि पापा आपके गोडाउन में आग लग चुका है। फिर गांव के लड़कन भाग के आए मेरे पास कि आग लगाओ, हम तुरंत वहां से भाग गया है। लेकिन दमकल विभाग ने दावा किया कि गोदाम में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। महाराष्ट्र के सीएम को धमकी देने के मामले में एक आरोपी पकड़ा गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने सातारा से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। अपनी पत्नियों को छोड़कर विदेश भागने वाले एनआरआई दुल्हों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने फडणवीस सरकार से लोकपाल मामले में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की सेहत पर ध्यान देने की मांग की। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में आवेदन किया। विश्व कैंसर दिवस पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट किया कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी बीमारी से पार पा सकता है।
नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले आईएएस टॉपर शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपनी पहली चुनावी रैली की। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें कुछ बच्चे चप्पल से सेल्फी खींचते नजर आए। विराट कोहली बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में पहले, जबकि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में नंबर एक पर बरकरार हैं। मेजबान वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को दूसरे मैच में 10 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद दूसरे नंबर पर काबिज टीम इंडिया की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ और वो नंबर एक पर मौजूद इंग्लैंड के और करीब पहुंच गई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 366 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 3-0 से हराकर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस की महासचिव बनी प्रियंका गांधी ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष और अपने भाई राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बीच यूपी की चुनावी रणनीति को लेकर दोनों में चर्चा हुई। इस बैठक में राज बब्बर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने 7 फरवरी को सभी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2019 के चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि अवैध तरीके से बनाए गए गोदाम में रखी केमिकल की बोरियों में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया और वहां आग की भीषण लपटें निकलने लगी। केमिकल की खाली बोरियों की आग पकड़ने की वजह से लपटें और तेज हो गईं और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलने लगा। जानकारी मिलने पर दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पानी की बौछार का भी उस पर कोई असर होता नहीं दिखा। दमकल कर्मी काफी देर तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद दमकल की दूसरी गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि जिस गोदाम में आग लगी थी उसे अवैध तरीके से बनाए जाने का दावा किया गया। हमने अनुमति उनको फैक्ट्री के लिए दिया हुआ है, वहाँ से वो जो गोडाउन उन लोगों का जो भी वेस्ट निकलता है उसके लिए किया हुआ ना था। हालांकि सफाई में फैक्ट्री के मैनेजर ने इन आरोपों को गलत बताया और फैक्ट्री को नियमों के मुताबिक चलाए जाने का दावा किया। खाली बोरी रखी हुई थी, उसी के कारण आग लगी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहीं घटना के बाद इलाके के लोग भी फैक्ट्री चलाने वालों से खफा दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में जमा कबाड़ को निपटाने के लिए वहाँ आग लगा दी जाती है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक भविष्य पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जब तक पीएम मोदी राजनीति में रहेंगे तब तक उनकी सियासी पारी चलती रहेगी। And I'm currently serving under Narendra Modi. That was my ardent desire. And the day Pradhan Sevak Narendra Modi decides that he will hang his boots is the day I will leave Indian politics. हरियाणा के जींद में एक रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। हरियाणा के जींद में 20 साल की रेप पीड़िता ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के बाद आत्महत्या कर ली। पटना के बाड़ इलाके में हादसे में हुई मौत के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। यूपी की बस्ती में गन्ना कम तोलने का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश की विदिशा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी को बीच सड़क पर गोली मार दी और उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सैकड़ों पत्रकारों ने मारपीट के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुए दूसरे शाही स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। दावा किया जा रहा है कि इस शाही स्नान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया, जिसके लिए एक दिन पहले ही लाखों लोग प्रयागराज पहुंच गए। हालांकि सबसे पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु पूरी तरह सज धज कर शाही स्नान करने संगम पर पहुंचे। शाही स्नान अद्भुत रहा। शाही स्नान के दौरान प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं पर एक हेलीकॉप्टर के जरिए फूल भी बरसाए गए। करोड़ों की भीड़ के बीच कई विदेशी श्रद्धालु भी भगवा रंग में रंगे हुए संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान में हिस्सा लेने कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और शाही स्नान करने के लिए रात में ही संगम किनारे डेरा डाल दिया। हालांकि संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की वजह से स्नान के लिए लोगों को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा।
लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से काफी कड़े इंतजाम किए गए। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और कदम दर कदम लोग बढ़ते जा रहे हैं। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए भजन कीर्तन किया। गंगा को हो राये, गंगा ही नहीं, बोले गंगा ही नहीं। शाही स्नान के लिए आम लोगों के साथ साथ कई नेता भी प्रयागराज पहुंचे और संगम पर स्नान किया। पश्चिम बंगाल में रैली करने पर अड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर सड़क के रास्ते पुरुलिया जाएंगे। सीएम योगी की आज दोपहर 3:30 बजे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली है, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतरने की अभी तक ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क के रास्ते पुरुलिया जाने का फैसला किया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी हेलीकॉप्टर से झारखंड जाएंगे, फिर वहां से सड़क के रास्ते पुरुलिया जाएंगे। 3 फरवरी को भी पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। ग्रेटर नोएडा के अमीरपुर गांव में सोमवार शाम को दफनाई गई एक महिला का शव जमीन से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आरोप है कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर गांव वालों का भूमाफियाओं से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उस जमीन पर कल ही एक वृद्ध महिला को दफनाया गया, लेकिन आज सुबह कब्र खोदकर उस महिला के शव को बाहर फेंक दिया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में 4 साल के एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के इस बच्चे को घर में खेलते वक्त बिस्तर के नीचे एक भरी हुई पिस्तौल मिली। बच्चे ने वो पिस्तौल उठा ली और उसे लेकर अपनी मां के कमरे में पहुंच गया, जहां उसकी मां और पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी बच्चे ने पिस्तौल मां की ओर तानकर गोली चला दी। ये गोली बच्चे की मां के चेहरे पर लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसके बाद उसको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने बताया कि बच्चे ने पिस्तौल को खिलौना समझते हुए खेल खेल में गोली चलाई थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से उसकी माँ जख्मी हो जाएगी। वहीं पुलिस की पूछताछ में लड़के के पिता ने दावा किया कि उसने सुरक्षा के लिहाज से पिस्तौल खरीदी थी, लेकिन उसने उसके पास लाइसेंस नहीं था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सैकड़ों पत्रकारों ने बदसलूकी के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग बीजेपी की बैठक में कथित तौर पर पत्रकार से मारपीट का विरोध करने बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पत्रकारों ने बदसलूकी के विरोध में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार से बदसलूकी पर चिंता जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, उनकी क्षमा मांगने के बजाय बल्कि उनको फूल माला से लाद कर उसे सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई और जल्द ही पत्रकारों की नाराजगी दूर करने का दावा किया। प्रदेश के अध्यक्ष ने और वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन जी ने इस मामले में पत्रकारों से भी बात करी है, उनको समझाया है, कहीं कोई गलत फहमी है तो उसको जरूर बैठ के दूर कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द ही अमल में लाने की बात कही। बिहार के कई शहरों में RLSP यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बिहार बंद के दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। शनिवार को पटना में उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में RLSP ने बंद का ऐलान किया था। और इस दौरान गया में बिहार सरकार पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरे RLSP कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर नारेबाजी करने लगे। बंद के दौरान सड़कों पर निकली गाड़ियों को हटाने के लिए हाथों में झंडा लिए RLSP कार्यकर्ता जोर आजमाइश करते भी नजर आए। RLSP कार्यकर्ताओं ने पटना में हुए आक्रोश मार्च के दौरान अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस के लाठीचार्ज को नीतीश कुमार की साजिश बताया। RLSP के बिहार बंद के समर्थन में महागठबंधन की पार्टियां भी शामिल हुई और कटिहार में सड़क पर आग जलाकर RJD ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने बिहार में नीतीश कुमार पर तानाशाही का आरोप लगाया और पटना में उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज को उन्हें जान से मारने की साजिश करार दी। इस पूरे मुद्दे पर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने बिहार सरकार पर सत्ता का गलत इस्तेमाल कर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया और बिहार बंद के समर्थन में नालंदा की सड़कों पर आग लगाकर जैम लगा दिया। पर चलने वाला हमला बंद करो। जबकि कटिहार में बिहार बंद के समर्थन में हंगामा कर रहे RLSP कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हो गई।
बंद के दौरान आरएलएसपी के प्रदर्शन को देखते हुए कई इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। महागठबंधन के एक एक सदस्य को लाठी और गोलियों से बर्बाद कर उनको दबाने का काम करेंगे, उनकी मंशा को हम लोग कभी कायम होने नहीं। इससे पहले हाथों में मशाल लेकर आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर भी राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बिहार में लोकतंत्र के खतरे में होने का आरोप लगाते हुए आरएलएसपी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार सरकार के विरोध में आगे आने की अपील की। वहीं इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएलएसपी के बिहार बंद को चुनावी हथकंडा करार दिया। जब भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा इलेक्शन का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इस बीच में आप समझ लीजिए लगभग एकाध महीना तरह तरह की चीज होती है। एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, इस तरह से कट्टा और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही लगभग एक महीने तक की बात है।